शांति कौन है? सीता। सीता साक्षात शांति है इस कहानी में। और शांति किसको मिलती है? शांति मिलती है उस आदमी को जो अपनी देह के लोभ से बाहर आ जाता है, जो विदेह हो जाता है। सीता के पिता का नाम क्या है? विदेह। विदेह राज की बेटी है, राजा है वो लेकिन विदेह है। मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है, मुझे ज्यादा याद आ रहे हैं गुप्त जी। गुप्त जी ने लिखा, योगी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, अनासक्त गेही, घर में रहते हुए घर से आसक्त नहीं है। किसको मिली? वो विदेह को, देह में रहते हुए देह से बाहर। और सत्ता में बैठे हुए लोगों और सरकारी अधिकारियों, आरएएस अधिकारियों, आईपीएस आईएएस अधिकारियों जो यहां बैठे हो, सुनो, और जो बनना चाहते हो वो सुनो। शांति राज्यसभा में बैठकर नहीं मिली। जब राजा जनक लोकसभा में बैठे हुए थे तब नहीं मिली, जब सिंहासन पर बैठे थे तब नहीं मिली, युद्ध कर रहे थे तब नहीं मिली। कब मिली? जब किसान की तरह पसीना बो रहे थे खेत में, तब सीता माता उन्हें प्राप्त हुई। राम सूर्यवंशी हैं, जो आकाश का द्योतक है, और सीता पृथ्वी से निकली हैं। इसका मतलब क्या है? ये प्रकृति के दोनों चीजों की युति है। लक्ष्मण भाई का प्रतीक है, बचपन से जानते हैं, बार आई थे निज हित प्रति जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। भरत के आने पर लक्ष्मण क्रोध करते हैं, राम समझाते हैं उनको। आप में से जितने लोग हैं, मैं इस पर कल भी बोलूंगा, सोच के बताइए राम की कहानी में कि राम के अलावा केवल एक पात्र जिसका मंदिर बना। एक एक दो दो मंदिर कहीं बन गए हो तो बन गए हो। राम की कहानी में राम के अलावा किसी का मंदिर नहीं बना। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उस कौशल्या का मंदिर नहीं है, जिस पिता ने जन्म दिया उस दशरथ का मंदिर नहीं है, लक्ष्मण का मंदिर नहीं है, किसी का मंदिर नहीं है, केवल एक मंदिर है हनुमान का। और वो भी ऐसा मंदिर है कि राम को मनाओ मत मनाओ, उन्हें मान लो, यही सब काम कर देंगे। तो हनुमान क्या है? हनुमान राम तक पहुंचने के, राम जैसा होने की सीढ़ी है। आज के बाद से एक और पात्र का आदर करना राम के साथ साथ, अगर राम का आदर करना है तो, अगर राम से सीखना है, किसी भी धर्म के लोग हों। हिंदुस्तान में जितने आक्रमण हुए इसमें कभी हम जीते कभी वो जीते, और तर्कहीन श्रद्धा के कारण हारे हम, क्योंकि वो भी तलवार से लड़ते थे, हम भी तलवार से लड़ते थे। कभी वो घोड़े लाए, कभी हाथी लाए, कभी हमने घोड़े हाथी लगाए। युद्ध में बराबर के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। भारत के एक बेटे ने एक नया हथियार बनाया, और ऐसा हथियार बनाया कि फिर वही वो हारे, फिर केवल संस्कृति जीती, आज तक जिंदा है इतने आक्रमणों के बाद। और भारत का वो बेटा रहता था चित्रकूट के पास, आत्माराम दुबे का लड़का, जिसका नाम था तुलसी। उसने 77 वर्ष की आयु में एक कहानी लिखी राम की, और उसने बताया कि ये तो छोटे छोटे लंपट है जिनसे तुम लड़ रहे हो, ये तो जरा जरा से हैं। तुम्हारे गांव का एक लड़का तो पैदल गया था और सबसे बड़े को मार के आया था, क्यों अपना आत्मविश्वास क्षीण करते हो? तुलसी की मानस आई, और उसके बाद आम हिंदुस्तानी में यह विश्वास पैदा हो गया कि अब मैं भी लड़ सकता हूं, अब कोई भी लड़ सकता है, और इसी के बल पर हम लड़ाइयां जीते। शक्ति विनम्रता भी पैदा करती है और अहंकार भी पैदा करती है। इसीलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान का भोजन क्या है? युधिष्ठिर ने बताया कि भगवान अहंकार खाता है। रावण को अहंकार है, न सत्य मानता है न तथ्य मानता है। तथ्य क्या है? तथ्य है कि भी हार चुका है तू। राम और रावण में एक पंक्ति का अंतर है, रावण इच्छाओं के पाश में बंधा है और राम इच्छाओं से परे जा चुके हैं। रावण में पावर ऑफ पनिशमेंट है, राम के पास राइट ऑफ पनिशमेंट है। रावण का अपयश बहुत है, जबकि वो खानदान में बड़े में पैदा हुआ है। हनुमान ने भी कहा, जब हनुमान से पूछा मुझे जानता है मैं कौन, अच्छा वो हर आदमी से पूछता है मुझे जानता है मैं कौन, ये बड़ी इनफेरिटी है। अंगद से पूछता मुझे जानता है मैं कौन हूं, आपने देखे ना कई लोग सड़क पे पुलिस वाले से कहते हैं जानता है कौन हूं, मेरे फूफा विधायक हैं, पता है ना हमारे चाचा वो हैं। ये क्या है? इंफिनिटी है, ये छोटेपन से आता है। लेकिन राम का एक यश है, वो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण इसी लाइन से शुरू हुई है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामा जनश्रुतः। लेकिन वो अपने खानदान का कभी वर्णन नहीं करते, जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं, अहिल्या के पास गए तो उनसे क्या कहते हैं, माँ मैं दशरथ का पुत्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। पिता का नाम इसलिए बताते हैं कि भारत में परंपरा है, गुजरात में तो और महाराष्ट्र में तो पिता का नाम बीच में जोड़ा जाता है, लेकिन वो अपने अहंकार में। इसलिए रावण की शक्ति भय देती है और राम की शक्ति निर्भय देती है। रावण अहंकार में अपमान करता है और राम छोटे आदमी को भी उठा लेते हैं। रावण सैडिस्ट है, बहुत सारे लोग सैडिस्ट होते हैं इस देश में। बहुत सारे लोग इस बात से दुखी है कि उनका पड़ोसी सुखी है।
अपने सुख से कोई प्रसन्न नहीं है। रावण की यही समस्या है, वो सैडिस्ट है। हनुमान की पूंछ काटता है, कहता है कि सबसे पहले सुनि विहस बोला दसकंदर, अंग भंग कर पठियो बंदर, इस बंदर की पूंछ काट के भेजो। वो भी कलाकार आदमी थे, उन्होंने कहा काम शुरू करो, चलो देखते हैं। पूरा तेल वेल डला, सब कुछ डला। मैनेजमेंट के उदाहरण है वो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कपड़ा रावण का, तेल रावण का, जली रावण की, पूरी लंका जलाई, केवल एक घर नहीं जलाया। किसका? विभीषण का। क्यों? उनके ऐसे तेल ही नहीं आया था, सबने तेल भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। बोले इनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कंपनी में देने के, डुबोना। बात खत्म। लेकिन राम जटायु के घाव साफ करते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और कहा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला। हे संत, हे जटायु, हे गिद्धराज, आज आप मुझे अपना अंतिम संस्कार करने का अवसर देकर मेरे पुत्र होने को पूरा कर रहे हैं। ये कहा। शत्रुघ्न बंधन मुक्त है, उनके पास बंधन नहीं। एक करेक्टर और राम कहानी में जिसका जिक्र ही नहीं होता, शत्रुघ्न। सब अपने अपने काम में चले गए, वो वही है। आज मैत्रीशरण गुप्त का जन्मदिन है, मैं कई बार उन्हें याद कर चुका। मैत्रीशरण गुप्त के यहाँ मांडवी, भरत की पत्नी, मांडवी कहती है कोई तपस्वी, कोई त्यागी, कोई यहाँ बैरागी है। हमारे घर में बड़े खलीफा हैं, कोई तो तपस्वी हमारा पति, कोई त्यागी हमारे जेठ जी, कोई बैरागी हमारा दूसरा देवर लक्ष्मण जंगली चला गया। मेरा पूरा घर संभाले, छोटे देवर बड़ भागी हैं, पूरा घर संभाल रखा है, मेरे छोटे देवर सबसे अच्छे हैं। उर्मिला मुदिता है, बेटी की तरह प्रसन्न रहती है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मैनेजमेंट गुरु, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, जितने भी प्रकार से राम ने इस जीवन को बड़ा किया है, अगर वो हम में थोड़ा 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 आना प्रारंभ कर दे तो हमें ठीक हो जाएगा। सागर निजामी ने, यहां इस्लाम मानने वाले बैठे हैं, हिंदुस्तान बिना राम के नहीं है। साहिले सरजू यहां गंगा, यहां जमुना यहां, साहिले सरजू यहां गंगा, यहां जमुना यहां, कृष्णा और राधा यहां, रामा यहां, सीता यहां। हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की। ये सागर निजामी कहकर गया। अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मेरे मन में बड़ी शंका थी कि बात क्या होगी, मैं बोलूंगा क्या, इसकी कोई तैयारी नहीं है, बस मेरे पास जो है मैं वही सुनाना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं खुद से, राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, आद्य शंकराचार्य के माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से, महावीर के माध्यम से। राम भी महावीर हैं, जैन समाज के लोग बैठे होंगे, महावीर को अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत मतलब जिसके शत्रु मर गए हों, जबकि उन्होंने किसी को मारा नहीं है। तो शत्रु को मारने का क्या तरीका है? या तो शत्रु को मार दो या शत्रु को मित्र बना लो। अपने शत्रु को मित्र बना लो तो आप अरिहंत हो जाओगे। इसीलिए जैनियों के 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रियों से आए हैं। समझ लीजिए, जो वीर नहीं हो सकता वो महावीर नहीं हो सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो इसलिए पूरी राम कहानी का जितना विस्तार है, जिस पर मैं कल भी चर्चा करूंगा, जितना मुझे स्मरण आएगा, और आज जो लोग आप में से कुछ प्रश्न देंगे, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि मुझे सब पता है। सर्वज्ञ होने का डिक्लेरेशन नहीं है, और ये डिक्लेरेशन तो जयपुर में खत्म हुआ था 1993 में। पहली बार मैंने नौकरी शुरू की, मेरे दो विद्यार्थी सुनने आए हैं, एक तो पुलिस में काम करता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर है, आज सुनने आया, बोला गुरुजी सुनने आऊंगा। मैंने कहा तब ढंग की बात सुनी होती तो ज्यादा बड़ा अफसर बनता, मैं पढ़ाता था क्लास। क्योंकि लोगों को जो अहंकार है कि मुझे सब पता है, ये उनकी यात्रा को समाप्त करने जैसा है। मैं यहाँ राजस्थान में जब इंटरव्यू देने आया था, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे याद है 1 जुलाई का इंटरव्यू था। यहाँ एक हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे, मैं उनके घर पर रुक गया 30 जून की रात को। मुझसे बोले कि क्यों आए थे, मैंने कहा जी वो कल उस कॉलेज में इंटरव्यू है लेक्चरर का, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए आया हूँ। बोले तू मुझसे फ़ोन करके पूछ लेता, वहाँ तो फलाने जी जो प्रोफेसर है उनकी बेटी का होगा पहले से ही तय है। तो मैंने कहा 150-200 लोग बुला लिए इनका क्या? बोले दिन भर चाय समोसे खाएंगे सुनेंगे। बोले मुझे ही जाना था इंटरव्यू में, लेकिन अब मैं नहीं जा रहा हूँ तो तू क्या करेगा? मैंने कहा जब आया हूँ तो जाऊँगा, इंटरव्यू तो दे के आऊँगा। मैं सुबह से बैठा रहा, मेरा नाम विश्वास कुमार शर्मा है, तो वी पे मेरा नंबर आया आखिर में। जंगल में कॉलेज था वो, वहाँ कुछ मिलता नहीं था, समोसे और चाय, समोसे मैं खाता नहीं, चाय कितनी पीऊँ, उन दिनों चाय और चाय वाले लोकप्रिय भी नहीं थे।
शाम तक ऊर्जा का दम निकल गया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापिका थी हिंदी की, वो बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए, खाना पूरी हो रही थी। अब बताइए आप, एक लड़का आया बेचारा, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी टॉपर, नेट क्लियर कर रखा है, आया है। तो मैं आया, उन्होंने पहला सवाल, मेरे जीवन के साक्षात्कार का पहला सवाल, इसके बाद तो मैंने गूगल हेडक्वार्टर्स में इंटरव्यू दिए, बीबीसी में इंटरव्यू दिए, सीएनएन में इंटरव्यू दिए, दुनिया में सबको इंटरव्यूज दिए, लेकिन वो पहला इंटरव्यू था मेरे जीवन का। उसने मुझसे पहला सवाल पूछा, कहां से आए हो? तो मैंने कहा कि मैडम मेरठ विश्वविद्यालय से आया हूं। तो मुझसे पहला सवाल विश्वविद्यालय में, कितने में मिलती है मां पीएचडी? और मैं प्रारंभ से ही अभद्र था, तो मैंने कहा आपने जितने में ली उससे सस्ती दिला देंगे। तो बोली कि वो छक पका गई, लोग हंसने लगे अंदर जो बैठे थे। बोली आप तो साक्षात्कार देने के मूड में नहीं लग रहे। मैंने कहा जी मैं तो कल रात से मूड में हूं। तो बोली अच्छा क्या पूछे हैं आपसे? मैंने कहा कुछ भी पूछिए। तो कहने लगी कि अच्छा आप सर्वज्ञ हो क्या, सब आता है आपको? मैंने कहा नहीं मैडम, सर्वज्ञ तो मेज के उस पार होते हैं, मेज के इस पार तो अल्पज्ञ होता है, तो मैं अल्पज्ञ हूं। तो मुझसे बोली कि आप ज्यादा विराट प्रतिभाशाली लग रहे हो, इतना छोटा कैंपस आपकी प्रतिभा संभाल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा जी जो आप कह रही हैं, अंदर से मेरे भी यही आवाज आ रही है। और ये कह के प्रणाम करके मैं निकल लिया। मुझे लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने मुझसे ठीक से व्यवहार कर लिया होता तो मेरी जिंदगी ठीक ना होती। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला।